गर्भिणी परिचर्या, यानी कि जब भी कोई महिला गर्भ धारण करती है तो हमेशा उसके दिमाग में ये डाउट होता है हम क्या खाएं, ऐसी किन चीज़ों का सेवन करें, ऐसी क्या दिनचर्या का पालन करें। तो आज से हम वही कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, रोज़ हम मंथ के अनुसार यानी महीनों के अनुसार 9 महीने की दिनचर्या जो है आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और बच्चा पैदा होने के बाद जो है किस दिनचर्या का आपको पालन करना है, यानी कि 1 साल तक बच्चे में आप किन चीज़ों का पालन जो है, किन चीज़ों का विकास करवा सकते हैं, किन चीज़ों का सेवन करवा सकते हैं जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक सिद्ध हो। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसे जो है अपनी दिनचर्या में लागू करेंगे। 5th month ऑफ प्रेगनेंसी, 5वें महीने में आपको जो है चीकू, सेब, अनार, चुकंदर, उन चीज़ों का सेवन करना है जो आप में खून की मात्रा को बढ़ाए। इसके साथ ही आपको दूध के साथ चावल का सेवन करना है, घर में निकाला हुआ घी का सेवन करना है, और आयुर्वेदिक औषधियों में जो है उदुम्बर, पलाश, इनका पाउडर जो है आपको दूध के साथ लेना है। इसके साथ ही आप कंठकारी को ऐड कर सकते हैं, ये आपके और बच्चे के विकास में दोनों में जो है उतनी ही सहायता करेगा। 6th month ऑफ प्रेगनेंसी, घी, यवागु, यानी कि चावल का पतला पतला पानी और उसमें पतले फॉर्म में चावल, हल्की सी उसमें काली मिर्च डाल के, उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने लिए वल्य पला मतलब जो औषधियाँ हैं उनका सेवन करना है, जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षूर, मंजिष्ठा, इन सब का जो है काढ़ा बनाकर आपको इनका सेवन करना है। लोटस के जो आते हैं फूल उनका सेवन करना है, उनको आपने खाना है, जिसे हम संघाड़ा बोलते हैं। तो इन चीज़ों का सेवन करना है जो आप में और आपके बच्चे के विकास में जो है उतनी ही सहायता करेगा।